अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ, बिल्कुल फ्री। हम जानते हैं वो दोनों क्या कर सकते हैं, किस हद तक गिर सकते हैं ना। राधा को फांसी के तख्ते तक पहुंचा दिया था, हमसे हमारी प्रॉपर्टीज, पैसे, घर सब कुछ छीन लिया उन लोगों ने। राधा बिल्कुल सही बोल रही है, उन दोनों ने अपनी अंतरात्मा बेच खाई है। आप सोचे ना, स्कूल के पास इतनी तेजी से गाड़ी कौन चलाता है? दामिनी से हार बर्दाश्त नहीं हुई थी और इसलिए उसने ऐसी हरकत की है। बिल्कुल सही कह रहे मोहन, ये सब कुछ उस दामिनी का किया था ना। उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। माँ जी, हमें ना मोहन जी की यकीन पर यकीन है। एक बार ध्यान से सोचिए ना माँ जी, ध्यान से सोचने पर ना सब कुछ साफ साफ है कि ये सब कुछ दामिनी जी ने ही करवाया। अब समय आ गया कि दामिनी जीजी और बड़ी काकी जी के किस्से को ही समाप्त कर दें। डॉक्टर साहब, अब कैसी है गुनगुन? गुनगुन की हालत अब ठीक है। ग्रेट। और वो कह रही है कि आप दोनों उसके साथ रहें, और इस समय उसे आप दोनों की जरूरत भी है। जी, थैंक यू डॉक्टर जी। मोहन जी, पापियों का अंत करने के लिए दशहरा से अच्छा दिन और क्या हो सकता है? दशहरा आने वाला है और उसी दिन होगा दामिनी चिची नामक श्रावण का वध। पर अभी आप चलिए मोहन जी, अभी गुनगुन को उनकी राम और उनके पापा की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए माँ जी, हम अभी आते हैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।